बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट मी वेलकम यू ऑल इन अनदर अनलिमिटेड पावर वीडियो। आज मैं बड़ी ज़बरदस्त पावरफुल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, और इस पावरफुल वीडियो का असल मकसद क्या है कि आप लोगों की लाइफ को चेंज कर सकूँ, आप लोगों की लाइफ के अंदर सक्सेस को एम्बेड कर सकूँ, आप लोगों के करियर को स्ट्रॉन्ग बना सकूँ, और आप आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को हम ग्रैब प्रॉपरली कर सके, ताकि ये अपनी लाइफ के अंदर बेहतरी ला सकें। नाउ कमिंग टू दिस वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर आई मूव ऑन लेट मी रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि ये मैं मोर पावरफुल वीडियोज आपके लिए इसी तरह लाता रहूं, और ऐसे ही आप लोगों के अंदर एनर्जी इम्बेड करता रहूं, जैसा मैं अंदर से एनर्जी इम्बेड हुई हुई है। सो मैं आपका हसन हैदर, मोटिवेशन स्पीकर, कंसल्टेंट, कोच। आज का जो फॉर्मूला बड़ा यूनिक फॉर्मूला है, और इस यूनिक फॉर्मूले के अंदर हम लोग बात करें अंडू की। ये जो अंडू है, ये बड़ा जबरदस्त अंडू है, इसके पीछे कुछ सीक्रेट्स हैं, उस सीक्रेट्स को समझना बड़ा जरूरी है। ये अंडू स्टार्ट तो यहां से होता है कि अपने पास्ट को खत्म कर दें, ये वही फॉर्मूला अंडू है। अब व्हाट डज इट स्टैंड, नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपके 5 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, इस फॉर्मूले के बाद लाइफ चेंज होने वाली है। इस फॉर्मूले को समझेंगे तो लेट मी टेल यू, अपनी लाइफ को बेहतर बना देंगे। तो 5 मिनट रहिएगा मेरे साथ, जुड़े रहें 5 मिनट के लिए, और जरूर मेरे साथ रहें, ताकि ये हम इसको समझें ये क्या है अंडू। अंडू में सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्या चीज है? अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम्स। हाँ, अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स। जितने प्रॉब्लम्स आपके पास हैं, उन प्रॉब्लम्स को समझना बहुत जरूरी है। हर वो रुकावट जो आपके पास इर्द गिर्द, चाहे वो घर से स्टार्ट हो, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, चाहे वो आपके करियर में हो, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपकी लाइफ में हो, इंस्टीट्यूशन में हो, पढ़ाई में हो, समझें कि ये प्रॉब्लम है क्या। एंड लेट मी टेल यू, वंस यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, आपका 80% मसला हल हो जाता है। 80% चीजें सही की तरफ गामजन होना शुरू हो जाती हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चीजें और टेस्ट लिख के देता है, कहता है कि डायग्नोस करें फर्स्ट, लेट्स डायग्नोस। सिम्टम्स आप बताते हैं, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होती हैं, डायग्नोस्टिक होता है, रिजल्ट क्या होता है, डॉक्टर दवाई दे देता है। यही दवाई आज दे रहा हूं, ये अंडू का फॉर्मूला है। अंडरस्टैंड पहला पॉइंट है, उस अंडरस्टैंड करने से आपकी 80% मसले हल हो जाएंगे। बात यहीं पर ही खत्म नहीं होती। अगर आपने लाइफ को वाकई चेंज करना है, अंडरस्टैंड तो कर लिया प्रॉब्लम, उसके सोल्यूशन पे भी सोच लिया, स्ट्रेटजाइज भी कर लिया, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप बड़ा जरूरी है, वो है नेगेटिविटी। इस नेगेटिविटी को खत्म करना है। एंड फॉर नेगेटिविटी, लेट्स से नो टू नेगेटिविटी। अगर इस नो को नेगेटिविटी दे देंगे, तो खुद ब खुद आपकी पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी, आपके काम में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी, आपके किरदार में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी, आपके उठने बैठने में, बात करने के अंदर ये नेगेटिविटी माइंडसेट और थॉट्स खत्म हो जाएगी। जो नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, खत्म हो जाएगा। इसी को जो नहीं हो सकता, जो नहीं कर सकता, इसी को खत्म करना है। सो इस नेगेटिव थॉट्स को फारिग कर दें, से नो टू देम, खैर बात कर दें इसको। आज अगर मैं बात करूं किसी भी इंस्पिरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इस नेगेटिविटी को खत्म करेंगे तो पॉजिटिव इंस्पिरेशन देना शुरू कर दें। वो पॉजिटिव इंस्पिरेशन में भी जैकमा को सोच में डालें, अलीबाबा का कामयाब तरीन शख्स कैसे बन गया। अब आपकी पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। अब जो सतार ईदी की बात करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा, क्या आएगा, ह्यूमैनिटी। नेल्सन मंडेला की बात करेंगे, आपके दिमाग में आ जाएगा पीस। लुक एट दैट, बंदे का नाम लेता हूं, आपके पास थॉट्स आ जाती हैं। कामयाब से कामयाब तर बंदा जो दुनिया का बिलियनियर है, चाहे वो बिल गेट क्यों ना हो। इसका क्या मतलब हुआ? आपको इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव लोगों के इंस्पिरेशन लेके पॉजिटिव वेव्स अपनी तरफ खींचनी पड़ेगी। वंस यू गोट फॉर दोज पॉजिटिव वेव्स, आपके अंदर नेगेटिव हाइप्स खत्म करनी है। ये जो नेगेटिव वेव्स हैं, इस नेगेटिव वेव्स को अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर कर दें, डिलीट कर दें, अंडू कर दें।
ये है वो फॉर्मूला जो बड़ा स्ट्रॉन्ग पावरफुल है, अंडू। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, कहां से स्टार्ट किया हम लोगों ने? हमने स्टार्ट किया अंडरस्टैंडिंग से, एंड देन वी सेड नो टू नेगेटिविटी। अब आ गया अगला बड़ा पावरफुल फॉर्मूला, दैट इज डू इट एटीट्यूड। जो भी सोचें, जो भी समझें, जो भी टारगेट करें, जिसको भी गोल बनाएं, उस गोल को, उसी गोल को क्या करना पड़ेगा? उस गोल को डू इट में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकॉन्स हैं, बिलियनेयर हैं, क्यों कामयाब हैं? सिर्फ इस वजह से, जो वो सोचते हैं वो करते हैं, वो करके दिखाते हैं। आपको भी करके दिखाना पड़ेगा। आपने प्रॉब्लम को जब दिमाग से निकाल दिया, आपने अपनी नेगेटिव थॉट्स को खत्म कर दिया, दिमाग से निकाल दिया, अपनी जिंदगी से निकाल दिया, अब क्या रह गया? अब आपने ये जो करना है वो एग्जीक्यूशन में लाना है। लाएं एग्जीक्यूशन के अंदर जो चीजें लेके आ सकते हैं, ताकि लिए उन अपॉर्चुनिटीज को जो आपके घर आ रही हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज विल नेवर कम एंड नॉक योर डोर। यू हैव टू कम, गो एंड क्रिएट दोज अपॉर्चुनिटीज, देन ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज, देन कैश दोज अपॉर्चुनिटीज। तो अगला, लास्ट नॉट द लीस्ट, हमारा फॉर्मूला वो ओ से अपॉर्चुनिटीज ही है। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना पड़ेगा, फिर ग्रैब करना पड़ेगा, और फिर कैश करना पड़ेगा। हम तीनों चीजों को लेके चलेंगे। अपॉर्चुनिटी सीकर ना बने, हमें साइलोस से बाहर निकलना पड़ेगा। हम थिंक आउट ऑफ द बॉक्स की पॉलिसी पे चलेंगे तो फिर कामयाब हो सकेंगे। सो जाते जाते फॉर्मूला दोबारा दिमाग में डाल जाऊं, याद रखें, अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम, से नो टू नेगेटिविटी एंड डेवलप दी डू इट एटीट्यूड। यस यू कैन डू इट, दी स्पिरिट शुड बी देयर। लास्ट नॉट द लीस्ट, ग्रैब दी अपॉर्चुनिटीज, देन कैश दी अपॉर्चुनिटीज। Grab the opportunities, cash the opportunities, and become a successful entrepreneur, become a successful businessman, become a successful father, become a successful person, an individual who can really change the destination of this country, inshallah ta'ala. So be with me, subscribe my channel, be motivated, energy laein, andar se energy transfer kar raha hu. Ye powerful video thi, isko zarur share karein, subscribe karein mera channel, aur bell icon pe zarur hit karein, taake liye aur formula la sakun, aur energy embed kar sakun, aur aap logo ko motivate kar sakun, aur aapke andar अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर लेके आ सकूं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।